friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। इन पांच अमेजिंग स्मूदी रेसिपी से सुनिश्चित करें वो सही हो। सारे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करके बना रही हूँ जो ऑलरेडी आपके घर पे हैं। ये सिर्फ बेसिक रेसिपीज हैं। आप अपने पसंद अनुसार या किचन में जो अवेलेबल है जैसे सीजनल फ्रूट्स उस पे डिपेंड करते हुए चीजें निकालें या शामिल करें। स्मूदी एक बेहतरीन तरीका है वेजिटेबल्स अपने खाने में शामिल करने का, क्योंकि इन रेसिपीज से वेजिटेबल्स का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। और भी पौष्टिक बनाने के लिए हेल्दी बीज जैसे चिया सीड्स या प्रोटीन पाउडर आदि अन्य कई सारी चीजें मिला सकते हैं। तो किसका इंतजार है, चलिए शुरू करें एक तंदुरुस्त और स्वादिष्ट सप्ताह। बोनस के तौर पे एंड में कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे स्मूदी बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, जो इस वीडियो के दौरान भी आप नोटिस कर सकते हैं। देखते हैं इसे कितने सावधानी से देखने वाले हैं। मानो कोई रेस की शुरुआत हो जैसे, तो आपका ब्रेकफास्ट भी तो दूसरों से बेहतर होना चाहिए ना। किसने कहा मंडे ब्लूज हटाने के लिए आपको भी कुछ ब्लू चाहिए। इस हफ्ते के लिए आपको तैयार रहने के लिए शुरू कीजिए अपने डाइट में ज्यादा पौष्टिक तत्व शामिल करना। तो ये रहा आपका होलसम ऑरेंज मंडे स्मूदी। पहले डालें लिक्विड, यहाँ आधा कप संतरे का जूस, मैं फ्रेश प्रिफर करती हूँ, कोई जूसर की जरूरत नहीं। बस स्पून के पिछले हिस्से से सारा रस इस तरह बाहर निकाल दें। खरीदा हुआ जूस यूज कर सकते हैं, ध्यान रखें उसमें शक्कर की मात्रा कम हो। फिर आधा कप ग्रीक दही प्रोटीन के लिए, ऊपर से डालें जमा हुआ फ्रूट्स, एक बिना छिलके का फ्रोजन संतरा, आधा पीच बिना छिलके का और फ्रोजन। ज्यादा होलसम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एक श्रेडेड गाजर, आधा कप फ्रोजन पपाया बिना छिलके का, लिड से कवर करके ब्लेंड कर दें एक स्मूथ कंसिस्टेंसी के लिए। थोड़े और श्रेडेड गाजर से गार्निश करें और एंजॉय करें आपका होलसम मंडे। फिर है आपका रेडिएंट रेड ट्यूसडे स्मूदी, एक वाइब्रेंट ग्लो के लिए जो आपको फ्रेश रखने के साथ साथ अंदर से पोषण देगा। इसके जरूरी हाइड्रेशन से आपको इस गर्मियों की गर्मी में भी राहत मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स मिल जाएगा। शुरू करें आधा कप फ्रेश अनार जूस से, आधा कप ग्रीक दही, आधा केला स्लाइस्ड और जमा हुआ, आधा कप फ्रोजन रास्पबेरीज, आधा कप जमा हुआ स्ट्रॉबेरीज, एक कप वाटरमेलन। एक स्मूथ कंसिस्टेंसी के लिए ब्लेंड करें। थोड़े फ्रेश अनार दाने से गार्निश करें और आप तैयार हैं एक रेडिएंट ट्यूसडे के लिए। वीक के आधे तक आते आते आपको चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग, ताकि बाकी का हफ्ता आराम से निकल जाए और इस ब्राइट और ब्यूटीफुल वेंसडे येलो ट्रॉपिकल ट्विस्ट स्मूदी से अच्छा और क्या हो सकता है, जो आपके आंखों के लिए ट्रीट होने के साथ साथ टेस्ट में भी इक्वली अच्छा है। ब्लेंडर में डालें आधा कप फ्रेश पाइनएप्पल जूस, आधा कप ग्रीक दही प्रोटीन के लिए, आधा केला स्लाइस्ड और फ्रोजन, आधा कप फ्रोजन पाइनएप्पल क्यूब्स, आधा कप आम क्यूब्स बिना छिलके का और जमा हुआ, आधा टीस्पून बारीक अदरक, लिड से कवर करें और ब्लेंड कर दें। कुछ और आम के क्यूब्स और पुदीने पत्ते से एक विजुअल इफेक्ट दें और तैयार है आपका टेम्प्टिंग ट्रॉपिकल वेंसडे। जब तक हम थर्सडे तक पहुंचते हैं, ज्यादातर ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, इसीलिए एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपने डाइट में शामिल करें जरूरी पोषण जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरा खाना। ये रहा आपका पर्पल वेरी बेरी थर्सडे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। डालें आधा कप क्रैनबेरी जूस, आधा कप ग्रीक दही, आधा केला स्लाइस्ड और फ्रोजन,
आधा कप फ्रोजन ब्लैकबेरीज, एक प्लम डाइस्ड और जमा हुआ, एक कप फ्रोजन ब्लूबेरीज। ये बेरीज ना हो तो काला जामुन या काला अंगूर का इस्तेमाल करें। इस स्मूथ कंसिस्टेंसी के लिए ब्लेंड करें, पुदीने पत्ते से गार्निश करें और शुरू हो जाइए अपने बेरी थर्सडे के लिए। वीकेंड के दावत से पहले अच्छा होगा अगर अपने आप को प्रिपेयर कर लें, यानी अपने बॉडी को साफ कर दें। बेस्ट होगा अगर आप खाएं कुछ क्लीन, कुछ हेल्दी पर डेलीशियस भी, तो उसको होना ही पड़ेगा कुछ ग्रीन। ये रहा हमारा क्लीन एंड ग्रीन फ्राइडे स्मूदी। मैं प्रिफर करती हूँ मेरे स्मूदीज में ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड करूँ। शुरू करें आधा लाइम या नींबू के रस से, आधा कप ग्रीक दही जरूरी प्रोटीन के लिए, एक डाइस्ड एवोकाडो, आधा ग्रीन एप्पल फ्रोजन और डाइस्ड, आधा कप बिना छिलके का जमा हुआ कीवी, आधा केला स्लाइस्ड और फ्रोजन, मुट्ठी भर कोई भी ग्रीन्स, इसमें है बेबी स्पिनच, केल और कुछ पुदीना के पत्ते। भरोसा रखें, इसका टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। एक स्मूथ कंसिस्टेंसी के लिए ब्लेंड करें और गार्निश करें कीवी के एक स्लाइस से और एंजॉय करें आपका ग्रीन एंड डिलीशियस फ्राइडे। जैसे कि पहले मेंशन किया था, बोनस में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी एक स्मूथ स्मूदी के लिए। आशा है आपने नोटिस किया ही होगा, ब्लेंडर में मैंने पहले लिक्विड ऐड किया, इससे ये ब्लेंडिंग प्रोसेस को आसान बना देता है। दूसरा, मैं फ्रोजन यानी जमा हुआ फ्रूट्स यूज करती हूँ जो मैं खुद घर पे फ्रीज करती हूँ। आप ये कैसे कर सकते हैं, इस पे एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। आइस क्यूब से स्मूदीज वाटरी होने के साथ साथ टेस्ट भी घट जाता है। तीसरा, मैंने ग्रीक दही यूज किया है जिसे स्मूदीज बहुत थिक होता है, जिसे स्पून से भी खा सकते हैं। अगर आपको पतला कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर दही इस्तेमाल करें। आखिर में, अगर मेरी तरह आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं या दूसरों की तरह जिन्हें सुबह कुक करने में परेशानी होती है, तो अपने मील प्रेप की तरह एक फ्रीजर सेफ सिपलॉक बैग में फ्रूट्स को एडवांस में प्री पैकेज कर दें, ताकि आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत आसान और जल्दी बन जाए। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बड़ा थम्स अप दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा आपका फेवरेट था, और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो बताएं। हमेशा की तरह अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो और ऐसे हेल्दी रेसिपीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे दूसरे हेल्दी रेसिपीज भी चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।